नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर ऑल एग्जाम ट्रिक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं जेएसएससी के एसए सेक्शन की, जो कि इंग्लिश में पूछा जाएगा। इंग्लिश में जो एसए है जेएसएससी का, वो हम बात करेंगे आज, जिसका नाम है अ स्लिप ऑफ टंग। स्लिप ऑफ टंग के मतलब जो जिन्होंने लिखा है उनका नाम है FEB ग्रे, और यही आप पूछा जाएगा एसए में। तो इसका पहले आपको जानना जरूरी है कि इस एसए में है क्या, कौन से कैरेक्टर हैं, तो इसके लिए हम आज बात करेंगे। तो उसके पहले चैनल को प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि और भी अपडेट में इस एग्ज़ाम के देता रहूं, और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के मैं हमेशा अपडेट करता हूं। आप देख सकते हैं सब्सक्राइबर कम होने के कारण आपको अपडेट नहीं मिल पाएगा, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे आज जो मतलब हमारा जो है स्लिप ऑफ टंग। तो स्लिप ऑफ टंग में आज हम कैरेक्टर की कुछ बात करेंगे, जिसका नाम है एक अरीश हरमन, जिसका नाम है, मैं आपको बता दूं, अरीश, इसको आप याद रखिएगा, अरीश अरमन, ये कैरेक्टर है जो एक भिखारी है, पुअर है और भिखारी भी है, याद रखिएगा। एक कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर ये है, इसे आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसलिए इस कैरेक्टर को ध्यान से पढ़िएगा। और तो एक भिखारी है जिसका परिवार है, और वो भोजन के लिए रोजाना भीख मांगता है। वह अमीर बनना चाहता है, इसलिए वह दूसरे शहर में चले जाता है, शहर के में वहाँ नौकरी की खोज में करता है। एक दिन वो, अब दूसरे कैरेक्टर की बात करेंगे, तो नौकरी के लिए जाता है। तो एक, अब दूसरे कैरेक्टर की हम बात करेंगे, जिसका नाम है अस्तु ला दत्ता, DTA, अस्तुल दत्ता जिसका नाम है, वो थोड़ा अच्छा मतलब रईस आदमी है, उसके घर में ये सर्वेंट के काम कर रहा है, जिसका मैंने बात किया था अभी, पहला कैरेक्टर जिसका नाम है हरीश हरमन, तो वो सर्वेंट का इसके यहाँ काम कर रहा है, और काम कर रहा है दोस्तों। और एक बार ये होता है कि एक मैरिज में ये जो दूसरा कैरेक्टर है अस्तुलदत्ता जो है, वो जो जिसके घर में नौकर है, इसको बुलाता नहीं है उसके शादी में। तो ये एक मतलब एक तरह से इसको बहुत निराशा होती है, कि हरी शर्मन को मतलब होती है कि क्यों नहीं मुझे बुलाया गया खाने के लिए। और इससे ये इसको पता चला कि अब मुझे रईस बनना ही पड़ेगा, मैं इस तरह की नौकर जिंदगी नहीं काट सकता, क्योंकि अस्तुलदत्ता ने इसको मतलब इसके घर में काम भी करता था, फिर भी इसको इन्वाइट नहीं किया, क्योंकि ये समझता था कि ये गरीब है। तो ये दो कैरेक्टर आपको याद हो जाने चाहिए। तो अब देखिए, अब वो रईस बनाने के सपने था, तो अब वो अपनी वाइफ को, जो सर्वेंट था जिसका नाम था अरी शर्मन, वो अपने वाइफ की बात करता है यहाँ पे। तो वाइफ की भी आपको याद होना चाहिए, वाइफ की के बारे में भी आपको लिखना पड़ सकता है ऐसे में। तो वाइफ जो थी उनको ये बोलता है कि आप इस मतलब इस गांव में फैला देंगे कि मैं एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, इंटेलिजेंट पर्सन हूँ, इंटेलेक्चुअल हूँ, ये सब वर्ड आपको लिखिएगा। तो प्लीज़ एस, इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट, ये सब अच्छे वर्ड हैं, तो आप ऐसे में लिखिएगा तो नंबर अच्छे मिलेंगे आपको। तो बोला था इसके लिए कि आप इस बात को फैलाइए कि मैं इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट पर्सन हूँ, तो वाइफ को अपना बोलता है। तो एक बार एक और उसके बाद उसने अपने ही उस काम करने वाले घर में अस्तुलदाता की जिसकी मैंने बात की, तो उसके मतलब सन्स इन लॉज मतलब सन इन लॉ को हॉर्स चुरा लेता है। तो अब यहाँ के बात करते हैं, उसके जब ये घोड़ा चुरा लेता है हरी शर्मन, वहीं जहाँ काम करता है ये, तो उसके बाद और उसको फॉरेस्ट में बांध देता है उस घोड़े को। तो दोस्तों जब ये हॉर्स को चुराता है, हॉर्स को कहाँ रख देता है, फॉरेस्ट में, ये सब लिखना होगा आपको, ये सब याद रखना होगा कम से कम। हॉर्स को चुरा लेता है, फॉरेस्ट में बांध देता है। तो उसके बाद क्या करता है, और उसके बाद इसकी वाइफ तो लकी हुई थी कि ये बहुत ही बुद्धिमान है, ये सारे काम खोज देते हैं, आराम से सारे काम कर देते हैं। तो यहाँ जाके वो उसने अपना वहाँ बखान किया कि हाँ ये मेरे हस्बैंड है, सारे काम करते हैं, और ये काफ़ी बुद्धिमान है। तो उसने बोला कि चलो ठीक है। तो अस्तुलदाता ने हैरी को बुलाया,
और उसने सब, तो अस्तुलदाता ने हरि को बुलाया, हरि में हरि शर्मन को ही बोल रहा हूँ, और उसने उसको बुलाया, बोला कि अगर तुम काम कर दोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तो उसने जंगल में जाके, कुछ फॉरेस्ट में जाके, मतलब फॉर्मेलिटी के लिए गया, क्योंकि उसे उसने ही छुपाया था, और उसके बाद उसने हॉर्स को ले आया वापस, तो और उसने इनाम भी पाया। अब एक बार ऐसा हुआ कि अब तो यहाँ तक कि अब अगले कैरेक्टर की बात करेंगे, जिसका नाम किंग है, द किंग। किंग के घर में चोरी होती है, ट्रेजरी की, मतलब ट्रेजरी, देखिए ट्रेजर यहाँ पे धन को बोला जाता है, जो संभाल के रखते हैं, ट्रेजरी, उसकी चोरी हो जाती है इस बार। लेकिन हरी ने नहीं किया, मतलब उसने नहीं किया है, ये किसी और ने किया है। तो हरी तो फेमस हो चुका था कि काफ़ी बुद्धिमान इंटेलेक्चुअल है, और यही काम कर सकता है, ये खोज सकता है, क्योंकि पहले भी ये फेमस हो चुका था। इसे बुलाया जाता है, किंग बुलाता है इसे, और बोलता है कि सर्च करो, मेरा जो खजाना चोरी हो गया है। तो हरी क्या करता है, और उसको एक रूम भी दिया जाता है हरी को, कि तुम यहीं रह के सर्च करो कि किसने चुराया है। तो उस रूम में जाते जाते उसने अपने मुंह से एक वर्ड बोला, और मतलब डांटा अपने आप को, ही टोल्ड हिम कि ही इज कोल्ड हिज टंग फॉर टेलिंग लाई, मतलब वो अपने टंग को डांटता है कि क्यों तुम झूठ बोला। टंग टंग मतलब जीवा, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो उसने जीवा को मतलब अपना डांटा। तो उसी समय एक जीवा नाम की सर्वेंट उस महल में काम करती है, उस वो सुन लेती है और उसके पास जाती है कि, और बोलती है कि तुमने मतलब क्यों मुझे पकड़ लिया, क्योंकि वो जीवा ही थी जिसने वो ट्रेजरीज चुराए थे। तो हालांकि ये गलती से उससे हो गया, क्योंकि वो तो अपने टंग को मतलब स्कोल्ड कर रहा था, डांट रहा था, तो जीवा और बगल से ही गुजर रही थी और उसी ने चुराया था। तो वो उस पर मतलब नज़र आ गई कि हाँ यही है जिसने मुझे पकड़ लिया है, और यही है अपॉइंट किया गया है चोरी पकड़ने के लिए। तो वो और डर के उसके सामने बोल देती है। तो इस तरह से किंग का खजाना मिल जाता है, क्योंकि वो उसी गार्डन में छुपाई रहती है, उसी गार्डन में। तो वो बोलता है कि गार्डन में, जो गार्डन में, ये द गार्डियन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, ऐसे में लिखना होगा। तो गार्डन से बोली कि कुछ पैसे निकाल लो, कुछ ट्रेजरीज, और बाकी किंग को लौटा दो। तो वो यही करती है, तो कुछ वो रख के जीवा, जीवा जो सर्वेंट है वो, और बाकी लौटा देती है। तो अब जब लौटा तो देती है, वो इनाम भी पा लेता है, लेकिन कुछ जो मिनिस्ट्रीज हैं, मतलब तो राजा महाराजों में होते हैं द मिनिस्टर्स, जो वहाँ अभी भी मिनिस्टर हैं, उस समय भी होते थे मिनिस्टर्स, उनको डाउट होता है, DOUBT अब याद, ये डाउट होता है कि ये कैसे कर लेता है, कहीं से कुछ गड़बड़ तो नहीं। उसको टेस्ट लेने के लिए उसने उसको एक एक बार एक मंत्रिमंडल बैठाई जाती है, और उसको टेस्ट लिया जाता है, जिसमें एक जार दिया जाता है उसको, और बोला जाता है जार के अंदर क्या है बताओ, तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, तुम हमेशा चोरी पकड़ लेते हो, कैसे करते हो बताओ। यहाँ भी उसने अपने मुंह से बोला कि फ्रॉग, फ्रॉग मतलब वो मेढक। तो मेढक उसका बचपन का नाम था, जब भी उसे मतलब कुछ गलत काम या फंस जाता था, उसको मतलब फ्रॉग बोला जाता था। तो यहाँ भी उसने फ्रॉग बोला अपने आप को, फ्रॉग। तो सभी खुश हो गए, क्योंकि उस जार के अंदर फ्रॉग था। तो इस बार भी वो लकीली बच गया। तो मिनिस्टर, मिनिस्टर ही बोल दी, मिनिस्टर सेज दैट यस फ्रॉग इज इनसाइड द पॉट, और सारे लोग उसे प्रेज किए, और किंग किंग भी खुश हो गया, और किंग गिव हिम ए प्लेस एंड फ्यू पीपल्स उसके अंडर में काम करने के लिए। तो इस तरह ये स्टोरी है दोस्तों। ये ऐसे आपको पूरा पूछा जाएगा, काफ़ी ज़्यादा नंबर का, तो प्लीज़ इस ऐसे को प्लीज़ आप अच्छे तरह से लिखिएगा। बेसिक थीम मैंने आपको स्टोरी का समझा दिया है। धन्यवाद, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया हो, ताकि दोस्तों को आपको पता चले, और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।